दोस्तों, मैं हूं कासिम और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल के लेजेंड्स में। दोस्तों, अभी मैं जो है आपको शम्मी कपूर जी का घर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप शम्मी कपूर जी के फैन हैं और आप उनका घर देखने आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है और पीछे ही समंदर है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शम्मी कपूर जी का घर पड़ता है मालाबार हिल्स में और अभी मैं जो आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे शम्मी कपूर जी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शम्मी कपूर जी के बारे में। शम्मी कपूर जी इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमा दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी किसी गति मिले। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी। पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी जी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, क्षमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसी कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके झटके के साथ चुलबुले और नए अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन। फिल्म तुमसा नहीं देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब बरवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी जी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया। सन 1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नज़र डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी जी के सफलता के यूं कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी कपूर जी की धुन पर, उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है। शोबार, राजकुमार, हिमालय की पेशकश थी। फिल्म दिल देके देखो, जिसके जरिए इन्हें ही संगीतकार को मौका मिला, वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल देके देखो। दिल देके देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फर्मिलों को आजमा कर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपने नए स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे। सन 1965 शम्मी कपूर जी के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगीनी गीता दुनिया से अलविदा कह गई। उस गम सदा दिन शम्मी कपूर जी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे। उनकी निजी जिंदगी में खलिश और व्यवसायिक जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा रहा था। सन 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी के लिए शम्मी जी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1968 में उन्होंने नीला देवी से विवाह किया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बैंडलवास और विधाता जैसी फिल्में आईं। सन 1987 में शम्मी कपूर जी को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर जी अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार में। ये इनकी आखिरी फिल्म थी। अभिनेता शम्मी कपूर जी ने 14 अगस्त 2011 में इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया और छोड़ गए अपनी यादें। वेलकम टू शम्मी कपूर। आई गॉट मैरिड टू गीता, सो नाउ आई वाज नॉट ओनली द
the son of a very great father, Prithviraj Kapoor, or the brother of a very great director, producer, actor, Raj Kapoor. I was also the husband of Geeta Bali. Famous actress of her time. So I think that was an incentive for me to do better, to do better. And when I got the chance in Tum Sa Nahi Dekha, फिर तो जी असी फिर लंगोटियाँ उंगोटियाँ कस के फिर निकल पड़े कि इसकी सर पे कफन बांध के चलेंगे, या तो इस पार या उस पार हो जाएंगे. और फिर लकीली आई मेट उस पार. गीता आई मेट ऑन फर्स्ट टाइम इन अ पिक्चर कॉल्ड कॉफी हाउस. लेकिन उस वेले ठीक ठाक ओके वी वर्क टुगेदर. मेरे दोस्त हरी वालिया उन्होंने पिक्चर सी. But one year after that, I signed a picture with Sharma Ji called Rangeen Raatein. और उस picture की outdoor shooting वैसे हम लोग रानीखेत गए थे. गीता का उसमें कोई part वार्ट नहीं था, but she did a cameo role of a boy, just to be on that location. She liked to see रानीखेत. So Sharma Ji said, okay, you also come along. So we were there for 20 days in रानीखेत. Shooting and hill station, pahadi, pahadi gana, wadiyan, khoobsurat ladki, jawan ladka, ishq ho gaya ji, ishq ho gaya.